वेलकम फ्रेंड्स टू आर यूट्यूब चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर 5 पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने मेंडेलव्स पीरियोडिक टेबल देखा, उनके कुछ फीचर्स और किस तरह से उन्होंने उनका पीरियोडिक टेबल बनाया था। उनके पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट था उसका बेसिस था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कम से ज़्यादा एटॉमिक मास का जो सीक्वेंस है वो कम एटॉमिक मास से शुरू होते हुए धीरे धीरे वो इंक्रीज होता गया। प्लस साथ में उन्होंने कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, वो हम लास्ट पार्ट में देख चुके हैं डिटेल में। इस पार्ट में हम देखेंगे कि इस टेबल के, मेंडेलव्स पीरियोडिक टेबल के कुछ अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस। सबसे पहला जो अचीवमेंट था मेंडेलव का वो ये था कि उन्होंने क्या किया था, जब वो अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज कर रहे थे अकॉर्डिंग, तो उनके जो एलिमेंट्स थे वो प्लेस थे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बट एट फ्यू प्लेसेस ही सॉ कि अगर एलिमेंट्स को उसी सीक्वेंस में रखा जाए, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी कम वाला मास पहले और फिर उसके बाद ज़्यादा वाला, तो वो जो एलिमेंट जहाँ बिलोंग कर रहा था यानी जिस ग्रुप में और जिस पीरियड में वो बिलोंग कर रहा था, उसके बाकी एलिमेंट्स के साथ उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी। बट अगर उसको इन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब पहले ज़्यादा मास वाले को रखें और फिर कम मास वाले को अगर रखते हैं, तो ऐसा करने से फिर जो प्रॉपर्टीज़ है पीरियड में और ग्रुप में वो मैच हो रही थी। तो उन्होंने कुछ जगहों पे एलिमेंट्स को इन्वर्ट किया था। तो अब आपको आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 83 पे मेंडेलव्स पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना है और वहाँ ऐसे पेयर को ढूंढना है जहाँ पे मेंडेलव ने एलिमेंट्स को इन्वर्ट किया था, और आपको कमेंट करके ऐसे पेयर्स के सिंबल प्लस उनके एटॉमिक मास लिख के बताने हैं। ठीक है, ये आ जाएगा उनके अचीवमेंट में, क्योंकि उनका बेसिस था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बट स्टिल उन्होंने कुछ जगहों पे इन्वर्शन किया और वो इन्वर्शन सक्सेसफुल रहा, इसलिए ये सबसे पहले अचीवमेंट में काउंट होता है। सेकेंड उनका अचीवमेंट ये था कि जब वो एलिमेंट्स अरेंज कर रहे थे, उन्होंने कुछ जगहों पर गैप्स छोड़ दी, मतलब वहाँ पे उन्होंने किसी भी एलिमेंट को प्लेस नहीं किया, और वहाँ उन्होंने प्रेडिक्शन दिया कि ये जो गैप है यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट है जो डिस्कवर नहीं हुआ है बट फ्यूचर में वो डिस्कवर होगा, और उन्होंने उन गैप्स को कुछ नाम दिए बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमरल एका। उन्होंने एक प्रीफिक्स अटैच कर दिया उन गैप्स को, प्लस उनका जो प्रिसीडिंग एलिमेंट है सेम ग्रुप में यानी वो जो कॉलम है उसके ऊपर जस्ट ऊपर जो एलिमेंट होगा उसका एका प्लस वो एलिमेंट का नाम, इस तरह से उन्होंने उन गैप्स को नाम दिए। तो तीन एलिमेंट्स जो थे उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे, जैसे था एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, और बाद में एक्चुअली में ये एलिमेंट्स मिले और अब जो जिस नाम से वो एलिमेंट्स जाने जाते हैं वो है स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। यानी जो एका बोरॉन था वो आज की डेट में हम उसको स्कैंडियम के नाम से जानते हैं, एका एल्यूमिनियम को गैलियम के नाम से जाना जाता है एंड एका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। सो ये मेंडेलव का प्रेडिक्शन था। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, लेकिन स्टिल मेंडेलव ने इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन दिया और वो आगे जाके प्रूफ भी हुआ कि वहाँ पे एलिमेंट्स मिले, तो ये भी उनका एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। थर्ड जो उनका अचीवमेंट था, जैसे अभी हमने पॉइंट नंबर 2 में जो उनका अचीवमेंट देखा कि उन्होंने कुछ गैप्स छोड़े थे और उन गैप्स में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि एलिमेंट्स मिलेंगे, साथ ही उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि वो जो एलिमेंट्स मिलेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, और वो आगे जाके वो भी सही साबित हुई। जैसे उन्होंने एका एल्यूमिनियम है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट की थी कि उसका जो मास होगा, वो जो एलिमेंट है जो एका एल्यूमिनियम नाम से उन्होंने उस समय उसको नेमिंग किया था, उसका एटॉमिक मास होगा 68, उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा E2O3। ई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो एलिमेंट, ठीक है, और उसका क्लोराइड का फॉर्मूला होगा ECl3। और जब वो एलिमेंट मिला जिसको कि नाम दिया गया गैलियम, उसका सही में एटॉमिक मास जो था वो 68 के नियर बाय था, वो था 69.7। उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम मिला, वो हुआ Ga2O3, एंड क्लोराइड का फॉर्मूला भी जो मेंडेलव ने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल उससे मैच हुआ।
ये भी मेंडेलिव का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फोर्थ अचीवमेंट मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल का ये है कि जब मेंडेलिव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उस टाइम पे इनर्ट गैसेस जो थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। और उस समय डिस्कवर क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि जो इनर्ट गैसेस होते हैं उनका नाम ही इनर्ट इसलिए है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते या बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए उनको ढूंढने में टाइम लगा, तो उस समय पता नहीं थे। बट जब वो डिस्कवर हुए और उनको मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया तो वो एक नए ग्रुप में प्लेस हो गए बिना बाकी एलिमेंट्स को डिस्टर्ब किए। तो ये फोर्थ और ये भी मेंडेलिव का अचीवमेंट है। सारे अचीवमेंट्स आपको ध्यान से याद रखने हैं, कीवर्ड्स आप याद रखिए, एग्ज़ाम में आप अपने आप फिर लिख सकते हैं। चार मेन अचीवमेंट्स हैं मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के, चारों आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स, ये तीनों टर्म है लेकिन आंसर सेम रहेगा, उसका मीनिंग सेम है। तो हम शुरू करते हैं लिमिटेशंस से। जो उनका फर्स्ट लिमिटेशन था मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल का, वो ये था कि उनके टेबल में हाइड्रोजन को फिक्स प्लेस नहीं थी। हाइड्रोजन को फिक्स प्लेस इसलिए नहीं थी क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो बिहेव कर रहा था या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो रिजेंबल कर रही थी मेटल्स के साथ, साथ ही साथ जो हैलोजन ग्रुप है उनके साथ, इसलिए उनको मेटल्स के साथ रखा जाए या हैलोजन्स के साथ रखा जाए ये उस टाइम पर डिसाइड नहीं हो पाया, क्योंकि मेंडेलिव का जो पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने अरेंज किया था। बट अगर दोनों ही चीज़ों को देखा जाए तो हाइड्रोजन को किस ग्रुप के साथ रखा जाए ये फाइनलाइज नहीं हो पाया था उस टाइम पे। सेकंड जो ड्रॉबैक या लिमिटेशन थे वो थे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मेंडेलिव के टाइम पे पता नहीं थे, बट आगे जाके जब पता चला कि आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, आपको आइसोटोप्स पता होंगे, ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास नंबर होता है हर एलिमेंट का। तो एक ही एलिमेंट के, जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, बट उसका एटॉमिक मास नंबर होता है 12, और एक और कार्बन एग्जिस्ट करता है जिसका एटॉमिक मास नंबर होता है 14। तो ये दोनों जो कार्बन है ये एक दूसरे के आइसोटोप है। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो, तो उनको बोला जाता है आइसोटोप्स। तो आगे जाके जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज है और आइसोटोप्स भी एटॉमिक मास में डिफर करता है, तो फिर सारे ही जो आइसोटोप्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में जगह मिलनी चाहिए, यानी कि कार्बन 12 भी आएगा आपके पीरियोडिक टेबल में, कार्बन 14 भी आएगा क्योंकि एटॉमिक मास तो डिफरेंट है। इसलिए ये आइसोटोप्स जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गए थे जब डिस्कवर हुए थे मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के लिए। थर्ड जो उनका लिमिटेशन था वो ये था कि जो जैसे कि मेंडेलिव ने प्रेडिक्ट किया था उनके टाइम पे कुछ एलिमेंट्स को कि यहाँ पर एलिमेंट्स मिलेंगे, कुछ गैप्स उन्होंने छोड़ी थी वहाँ पे उनके पीरियोडिक टेबल में, बट लेकिन एटॉमिक मास के हिसाब से हम प्रेडिक्शन जो है वो एकदम हम नहीं बता सकते कि दो एलिमेंट्स के बीच में या कितने और एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल को देखें तो जो एटॉमिक मासेस है वो डेसिमल में है, जैसे कि हाइड्रोजन का है 1.008, लिथियम का है 6.939, बेरिलियम का है 9.012। तो ये जो डेसिमल में जो इनकी वैल्यूज़ है, अब ये डेसिमल में है तो ये तो वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है। अब हो सकता है कि 9.012 के बाद 9.14 या 9.24 कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं है, इसलिए उसको प्रिडिक्ट कर पाना कि दो एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्पेशल जो हायर एलिमेंट्स हैं उनके केस में, क्योंकि उनके एटॉमिक मासेस में डिफरेंस रिलेटिवली ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जैसा कि मेंडेलिव ने किया था और वो बाद में एक्यूरेट भी साबित हुए, बट स्टिल वी कैन नॉट प्रिडिक्ट क्योंकि वो जो वैल्यूज़ है वो फिक्स नहीं है, इट इज़ इन डेसिमल एंड इट कैन हैव एनी वैल्यू इन बिटवीन। तो ये भी एक लिमिटेशन है मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।